वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी पे, एंड लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इंटेंट पे। तो इस पर्टिकुलर चैनल का बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, बट फिर भी मैं जल्दी से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल एंड क्रूसियल जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू अब विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आज का जो टॉपिक है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉपलेट या सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन से है, तो उसको आज हम लोग समझेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे होता है। दोस्तों ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल है, तो इसको आप एक बार रेड आउट कर लीजिएगा। एंड मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल जो है उसका लिंक जो है इस वीडियो के बॉटम में दिया हुआ है, तो वहां पर आप आके मुझे फॉलो कर लीजिए। क्योंकि जैसे अभी कल से मैं फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ और बढ़िया पूरा का पूरा ईएससी गेट एंड अदर एग्जाम को फोकस करते हुए पूरा स्पेशल क्लासेस में है। तो ये आपके पास मौका है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टडी कर सकते हो। एंड एक सब्जेक्ट और मैं भी मैं स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर आके क्लास को आप जो है एनरोल कर दीजिए नोटिफाई करके। क्लियर, चलिए तो स्टार्ट कर दें आज का जो अपना टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड अ ड्रॉपलेट। क्लियर, तो अगर हम लोग बात करें अ लिक्विड ड्रॉपलेट की, तो मान लो सपोज दैट अ लिक्विड वर्ड जैसे ही बोला तो क्यों ना हम लिक्विड जो है वो वाटर मान ले, लिक्विड जो है वो हम लोग जो है वो वाटर मान ले, और इसके आसपास का जो मीडियम है उसको हम लोग एयर मान ले, यानी एयर एज अ मीडियम ले ले, एयर एज ए मीडियम, एयर एज ए मीडियम ले ले, और वाटर एज अ लिक्विड ले लें अगर हम लोग दोस्त। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मान लो सपोज डैट जैसे आपकी ये कोई ड्रॉपलेट है, मान लो ये ड्रॉपलेट है आपकी कोई, क्लियर, और ये बोला जा रहा है कि ये जो लिक्विड का ड्रॉपलेट है ये किसी मीडियम सराउंडिंग मीडियम में है, जैसे सराउंडिंग मीडियम जो है वो अपना एयर का मीडियम है। तो ये जो अपना ड्रॉपलेट है दोस्त, मान लो सपोज डैट ये जो ड्रॉपलेट है ये अपना H2 ड्रॉपलेट है, और इसका जो डाया है ये दिया हुआ है, डाया जो है इस ड्रॉपलेट का ये हमारा स्मॉल डी है, जो कि हमारा 2R के बराबर है। आसपास का जो मीडियम है दोस्त ये अपना एयर का मीडियम है, आसपास मीडियम जो है ये अपना एयर का मीडियम है, एंड सराउंडिंग का जो प्रेशर है ये एटीएम बोल सकते हैं, या अपना स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। और वाटर और एयर के इंटरफेस के बीच का जो सरफेस टेंशन है वो मान ले सिग्मा, या अपना जो है वो गामा है। अब देखो ड्रॉपलेट में क्या होगा, सिंगल अनबैलेंस इंटरफेस होगा, अंदर तो वाटर ही है, तो अंदर सिग्मा, अंदर वाले सरफेस पे जैसे ये जो फिल्म है, ये जो फिल्म है इस फिल्म पे अगर आप देखोगे, मान लो सपोज डैट ये फिल्म का अगर अपन एक छोटा सा पार्ट बाहर लेके आए, तो इस फिल्म के पार्ट पे अगर देखोगे तो जो ये इनर वाला सरफेस है इसके इधर अगर देखोगे तो वाटर ही है, क्लियर, ये फिल्म भी वाटर की है, अंदर मीडियम भी वाटर है, तो अंदर जो अनबैलेंस सरफेस नहीं होगा, क्लियर, अनबैलेंस सरफेस नहीं होगा, क्लियर, तो ये हमारा जो है वो जीरो होगा, क्लियर, ये हमारा जो है वो जीरो होगा। और बाहर अगर आप देखोगे बाहर, तो यहाँ पर आपका अनबैलेंस सरफेस होगा, और यहाँ पर सिग्मा जो है ये आपका जीरो नहीं होगा, बाहर अगर देखोगे तो सिग्मा आपका जीरो नहीं होगा दोस्त, ये अनबैलेंस एक इंटरफेस आएगा, एक ही अनबैलेंस। अच्छा दूसरा क्या है, मान ले सपोज डैट अंदर का जो प्रेशर है वो हमारा पी ऑफ इन साइड है, मान ले अंदर का जो प्रेशर है ये अपना पी इन साइड है। अब कौन सा प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा उसके लिए अपने को क्या करना है, जैसे ये मान लो कोई लिक्विड की थिन फिल्म है, मान ले सपोज डैट ये अपनी लिक्विड अ थिन फिल्म है, ये जैसे जो है वो लिक्विड की थिन अ फिल्म है, मान लो सपोज डैट, और इधर से एक प्रेशर लग रहा है ये अपना पी इन साइड है, और इधर से एक प्रेशर लग रहा है आपका, इधर से अगर आप देखोगे तो प्रेशर पी एटीएम लग रहा है। अब देखो अगर यहाँ पर कुछ टाइम के बाद मान लो सपोज डैट फिल्म का शेप ऐसे हो जाता है, मान लो सपोज डैट फिल्म का शेप जो है वो कुछ ऐसे हो जाता है, क्लियर, और इधर से ये वाला जो सरफेस है ये आपका कॉनकेव सरफेस है, ये सरफेस जो है ये कॉनकेव सरफेस है, और ये वाला जो सरफेस है ये आउटर जो है ये आपका कॉनवेक्स सरफेस है, आउटर सरफेस जो है वो बाहर वाला जो है वो कॉनवेक्स सरफेस है, और ये वाला जो सरफेस है ये कॉनकेव सरफेस है, क्लियर, ये कॉनकेव है, ये वाला कॉनकेव है, और ये वाला कॉनवेक्स है। अब देखो इधर से जो प्रेशर लग रहा है, इधर से जो प्रेशर लग रहा है ये आपका पी ऑफ द कॉन अकेव है, और इधर से जो प्रेशर लग रहा है आपका ये आपका पी ऑफ द कॉन वेक्स है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो हमेशा क्या होता है, कॉनकेव साइड जो प्रेशर होता है ये ग्रेटर देन होता है कॉनवेक्स,
कॉन्वेक्स, क्लियर, कॉनकेव साइड जो प्रेशर होता है ये लार्जर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे दोस्त, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपका पी इनसाइड जो प्रेशर होगा ये ग्रेटर देन जो है वो पी एटीएम होगा। अब देखो यहाँ पर स्टडी करने के लिए अपने को क्या करना है, एक छोटा सा सेक्शन कट करना है। अब सेक्शन जो है वो कैसे भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि डायमीटर अपने को वहां का पता होना चाहिए। तो मान लो सपोज डैट ये सेक्शन जो है वो हम लोग कट करते हैं, ये सेक्शन हम लोग कट करते हैं और इस सेक्शन को हम लोग बाहर लेके आते हैं। तो मान लो सपोज डैट जैसे ये अपना जो है वो ड्रॉपलेट है, ये जैसे अपना कोई ड्रॉपलेट है, क्लियर, ये अपना जैसे कोई ड्रॉपलेट है और इसका जो है वो रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस जो है ये कैपिटल आर है या डायमीटर 2D है। अब देखो इस प्लेन पे जो है, इस प्लेन पे जो है वो बाहर की तरफ प्रेशर फोर्स लगेगा और प्रेशर फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू, क्लियर, डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई जो है वो पाई आर आई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो है, इस बॉन्ड में जो ये आपका सर्कमफ्रेंस होगा, इस प्लेन का सर्कमफ्रेंस या लेंथ जो होगी, इस पे अंदर की तरफ जो है वो एक रेजिस्टिंग सरफेस फोर्स होगा, यानी सरफेस टेंशन के करेस्पॉन्डिंग। तो अंदर की तरफ जो है वो सरफेस टेंशन इसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, तभी आपका ये स्फेरिकल ज्योमेट्री जो है वो सस्टेन करेगा, तभी आपका स्फेरिकल ज्योमेट्री जो है ये आपका सस्टेन करेगा। नहीं, अंदर की तरफ जो है वो सिग्मा होगा एंड मल्टीप्लाइड बाई जो है वो 2 पाई आर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई जो है ये 2 पाई आर हो जाएगा और ये जो है ये आपका एफ ऑफ एस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर अपन थोड़ा सा और देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से अगर थोड़ा सा 1 सेकंड जस्ट मैं टाइम देख लेता हूँ दोस्त, क्लियर, तो यहाँ से जस्ट वेट 1 मिनट, 1 सेकंड जस्ट मैं टाइम देख लेता हूँ दोस्त, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट वेट 1 मिनट। चलिए अभी टाइम है, ओके ओके ओके, चलिए 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 अभी टाइम है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें थोड़ा सा तो यहाँ से अपना क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से अगर अपन निकालें तो यहाँ से दोनों को अपन काउंटर बैलेंस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से पाई और आर कैंसिल हो जाएगा, पाई और आर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जो है वो 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई जो है वो आर निकल आएगा, या ये 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी आ जाएगा। और ये ड्रॉपलेट के अंदर का एक्सेस प्रेशर बोल सकते हो, एक्सेस प्रेशर, या अपन इसको जो है वो गेज वैल्यू बोल सकते हैं, गेज अब वैल्यू बोल सकते हैं, क्लियर। यहाँ से ड्रॉपलेट के अंदर का प्रेशर भी हम लोग निकाल सकते हैं, पी इन साइड अ ड्रॉपलेट जो होगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा पी ए टी एम एंड प्लस का जो है वो 4 सिग्मा बाई डी बोल सकते हो, या आप इसको जो है वो 2 सिग्मा बाई आर बोल सकते हो। और ये ड्रॉपलेट का जो है वो एब्सल्यूट प्रेशर होगा दोस्त, ये ड्रॉपलेट का एब्सल्यूट प्रेशर यहाँ से निकल आएगा। चलिए तो इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।